हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यस, बहुत दिनों के बाद पर एक नई वीडियो आ रही है। यस आई नो भाई, डेड हो गया था थोड़ा चैनल। तो यस, आज हम वापस एक नया वर्ल्ड बना रहे हैं और इसमें फिर मैंने थोड़ी चीटिंग की जो है, कीप इन्वेंटरी और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अपना बेसिक काम करेंगे माइनक्राफ्ट में। और बाय द वे, आपको ये शेडर कैसे लग रहा है वो कमेंट में बता देना। अगर आपको उसके ऊपर एक मोड की वीडियो चाहिए आप सिर्फ कमेंट कर दो, मैं बना लूँगा। सबसे पहले अपना ये एक बहुत अच्छा सा विलेज जो सीट डाल के लाया गया है, और अपने छपरी लोग तो वैसे आपने देखा होगा, लोगों को पहले वुड माइन करेंगे, पर नहीं, मैं पहले सिर्फ आयरन लेता हूँ। वुड कौन नहीं माइन कर रहे, साला भाड़ में सब। सबसे पहले 5 आयरन और 2 ब्रेड, 1 पिकैक्स और 1 स्वॉर्ड, बाकी अपनी चड्डी बनी है। उसे पहले कंजी पहन लेंगे, फिर बाकी उठती तो फालती है। और तो वैसे आपको भी हमेशा ये करना है, फर्नेस लूट लो। फुकट के 2 फर्नेस मिल रहे हैं, और आपको ग्राइंड स्टोन की आप वो भी लूट सकते हो। जब इंचेंटमेंट टेबल बनाऊंगा तो आपको लूट लूँगा भाई। और पता सर, ये घर भी अपना एक, और यहाँ पर गया है, चलो 10 आयरन इंगट, बाकी ऑब्सीडियन है। अरे भाई आ जा, फिर अपना गोल्ड, और भाई अपनी चड्डी बन जाना, और चलो आ। और अब हम सीधा हम करेंगे स्टोन माइन अपना। यहाँ का स्टोन करना नहीं है क्योंकि अपन लावा है भाई, और अगर वो भी तो फिर हमारी पेटी पक्की है। ये घर तो काम आएगा भाई हमारे। इसके बाद अब हेविल भी लूटनी है भाई। ये पूरा घर करेंगे अब चॉप चॉप चॉप, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। तो ब्रो, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही, प्लीज़ एक लाइक कर दो। अगर आपको चाहिए कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ लीव अ लाइक। और सबसे पहले आयरन ज़्यादा भी मिल गया हमारा। गुल्लू से पहले भाई पावर से शक्ति लेंगे भाई हम। और इस वीडियो को कम से कम मैं टारगेट देख रहा हूँ लाइक का 10 लाइक। आपका एक लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है भाई नेक्स्ट एपिसोड के लिए। यही 10 लाइक हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। और वैसे अगर आपने मेरा अतरंगी हिमलैंड देखा होगा तो सॉरी, वो वर्ल्ड अब नहीं रहा। हाँ, क्योंकि मेरा माइनक्राफ्ट अकाउंट डिलीट हो गया था गलती से, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। सबसे पहले गुल्लू दादा को एक मारा फटका। अरे भाई भाई, तो ये भाई हमने अपनी जान बचा ली है। और भाई तू तो गया भाई। अरे लास्ट क्रेड, अरे साला भाई, आयरन गोलम को आप सस्ते में कभी नहीं लेना। और अगर सस्ते में लोगे उसको तो आपने देख लिया होगा अब क्या होगा। एक तो भाई ए भाई, हमें ऑलमोस्ट में गलत साइड ही गई भाई, मुझे फिर वापस पूरा घूम घूम के आना पड़ता। वेले जी भाई साइड है, जल्दी जल्दी जल्दी। एक ब्रो, ये मेरा फोन लैग इतना मारता है ना भाई, ओनली रिकॉर्डिंग टाइम है भाई।
नॉर्मल में सही होगा। जल्दी जल्दी और गाइस आप मेरे को कमेंट में एक बार बता देना अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो लाने की चाहिए। और अगर आपका ऐसा मोड है तो ठीक है, मैं बना लूँगा। और बाय द वे ये मोड जो मैं लाऊंगा वो 1.21 से लेके 1.90 तक तो आप देख सकते हो। वापस में मर गया तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा आयरन लेके। तो गाइस मेरे गोलम और थोड़े सुअर को मार के उनका खाना जमा कर दिया फिलहाल। तो अभी हम करेंगे क्या, ये माइनिंग या फिर एक घर। आई थिंक सो माइनिंग ज़्यादा सेफ है। और तो यस अभी सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ और चेस्ट यस उधर की। जल्दी 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 ब्रो। भाई एक चेस्ट भी बस है भाई, बाकी दो तो बाद में भी हो जाएंगी। एंडरमैन भाई तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। और क्रीपू दादा भाई तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं। वो घंटा कुछ नहीं वैसे। अरे कितने क्रीपू दादा यार, इसके का नाम क्रीपू दादा नहीं गाइस, इसके लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, क्रीपू दादा से बच कर रहें। अरे बच गया हमारा आयरन भाई, तू आ जा पहले। मार चुल्लू पर आयरन को लेने के बाद मैं और एक ऊपर और अब यहाँ पर आयरन यस ये रहा। और एंडरमैन से तो भाई पंगा लेना ही नहीं मेरे को,
क्योंकि मेरे को पता है अगर मैंने उससे पंगा ली तो कुछ और हो जाएगा, मेरे साथ दंगा हो जाएगा। और ये इधर, ये इधर, तो ये इसे भी लगता है लगा रही है। और अभी दो आयरन अपने, ये यहाँ से भी आयरन ले लिया, और अभी कम से कम 14 आयरन हो गए भाई हमारे को। तो भाई और अब मैं 21 करके हैं बस 2 सेकेंड आप को, मैं 10 मिनट में आया। तो यस गाइस वापस से मैं आ गया हूँ एक टॉर्च के साथ अपनी, क्या बोलते हो गाइस एंडरवा के साथ हो जाए फाइट? नहीं छोड़ो भाई, पेल लेगा हमें। वैसे बस मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, एक टॉर्च ला के आ गया हूँ और अपने हाथ पे बस। और ये थोड़ा इधर इधर कुछ है, कुछ और तो नहीं मिला पर आयरन मिल गया। दो फुकट के आयरन कभी वेस्ट नहीं करना गाइस, ये बहुत गंदी बात है भाई। तुम फुकट के आयरन वेस्ट करते हो, शर्म नहीं आती भाई तुम्हें? तो यस, और ऊपर ये क्या है ब्रो? वो सब भाड़ में जाए भाई, मेरे को क्या कम उससे। ये आ जा, तू भी आ जा भाई। ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही है भाई, मतलब फुल ऑन पेटी हमारी होने वाली भाई। एक तो ये बहुत गंदी चीज़ है भाई, माइनक्राफ्ट वालों को ये चीज़ करनी चाहिए जो शील्ड के ऊपर हम टॉर्च लगा पाए कुछ ऐसे, तो मतलब लेफ्ट हैंड में हम दोनों चीज़ें कर देंगे। अब जैसे कोई एकदम क्रीपर आ गया मैं करूँगा क्या भाई? -3 पे, और ये जस्ट इन केस बच गया अभी। और यहाँ पे आयरन, फ्री का आयरन कभी मिस नहीं करो। और भी आयरन भाई, वो लगता है रविन मिल गया, मतलब एक खदान मिल गया भाई आयरन की। और यहाँ पे भी आयरन 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 ही भाई, आयरन में अंधा हो गया हूँ मैं तो, इतना आयरन है भाई। और अगर आपको इस वर्ल्ड की सीट चाहिए तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके जो माइनक्राफ्ट का अकाउंट है जब आप क्रिएट वर्ल्ड करते हो तो वहाँ पर आ जाते हैं इस सीट टेम्पलेट्स में जाके, तो इस मैंने भी उधर से लिए। और गोल्ड का काम लूँ कि नहीं लूँ भाई? मैं फालतू में ले लेता हूँ, चलो। अभी टोटल 28 आयरन हो गए, 24 में आयरन का आर्मर बनता है, मतलब इस इनफ। ए भाई ये भावा भाई, तू मर गया भाई पहले। और अब अपनी लावा आ गई भाई, बाद में डैमेज किया बड़ा भाई मेरे को, ये इनफैक्ट पहले पड़न थी मेरे को। शहर के आ गए फाइनली, और ये ऊपर भी केव दिख रही है, और यहाँ पे भी लावा लावा लावा। ये लावा भाई बहुत गंदी चीज़ और अच्छी चीज़ भी है, आप सोच रहे होगे अच्छी चीज़ ही भाई, अच्छी चीज़ के लिए सिर्फ इतना आता है, ज़्यादा जितने आएगा और उससे। मर गया तो लगता है मेरा तो, नहीं ब्रो, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ बता ले भाई मेरे को। और मेरा पानी बच गया, तो ऐसा आप देख सकते हो कि मैं इसके बात करता, अगर आप लेफ्ट हैंड में होती मैं उसको मार भी देता। अब मेरे को ऐसे छील छील पकड़नी पड़ रही है। और बाय द वे लक देखा गाइस आपने मेरा, लावा में जल के हाफ है एस्केप। और अब यहाँ से मेरे को ऐसे क्राउच करके जाना पड़ रहा है, जो कि मेरे को जाना नहीं है फिर भी। पर इस वीडियो में मेरे को बोले बस 2-4 डायमंड, और मैं सीट में 1000 बार तो खेल चुका हूँ, अब मेरे को पूरा इसका एक एक डायमंड पता है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड लगेंगे मेरे को सब डायमंड ढूंढने में भाई, मेरे को रिस्क लेने का।
मेरे को अंधेरा फिर भी चल जाएगा, पर मेरी जान तो अंधेरे से ज़्यादा अच्छी है भाई। तो यस गाइस, तो अभी फाइनली थोड़ा लावा इधर है और इस लावा गलत हो गए और यहाँ से भी तोड़ दिया। बस को क्रीपर आके जंप स्केयर नहीं देते भाई। और वैसे ये टॉर्च वाला मोड तो मेरे को भाई बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको भी चाहिए तो आप बस कमेंट कर देना। और यहाँ पे अब ऊपर डायमंड किधर, डायमंड मिल गया। इसके लिए भाई शेडर हटाने पड़े फिर दिखेंगे भाई डायमंड से, क्योंकि इसमें थोड़ा कोहरा दिखता है भाई। देखो जैसे यहाँ पे आयरन दिखेगा नहीं आपको, बहुत मतलब रेयर शेड होएगी इसकी, रेड स्टोन है, आयरन है यहाँ पे, और साथ में एक जॉम्बी का बहुत बड़ा झुंड है जिसके मैं अभी सर्वाइव कर गया। तो आप देख सकते हो कितने कम जॉम्बी आपको लग रहे हैं वहाँ पे। और इसके लिए अगर आप ब्रिजिंग कर रहे हो तो हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्राउच करते करते चले, नहीं तो आपके साथ कभी भी हाथ हो सकता है भाई। और यहाँ पे भी आयरन आयरन मिल गया पूरा मस्त, ये भी आयरन 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 मस्त, आयरन की खदान हो गई पूरी मेरे पास, और आयरन है भाई। और अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा कि भाई इन आयरन को मैं ये ग्रेड से तो नहीं लाया, वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसके बाद फिर आप इस शीट पे जाके देख सकते हो जो कि मैंने आपको बोला टेम्पलेट में, अगर आप जाओगे तो मिल जाएगा आपको। और अब मैं अपने जीवन और मरने का नहीं नहीं भाई रिस्क लेने नहीं, मेरे को एक डायमंड तो लग ही जाऊँगा भाई। और अब भाई जॉम्बी हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं। हेलो जी, तू मर जाएगा वैसे भाई, ये मस्त लग रहा है भाई इस साइड का, क्योंकि उधर लावा है और अब आई थिंक तो नाइट हो रही है और उधर एक डायमंड भी दो तीन, पर इधर भाई सात की एक वेन है भाई, इतना मेरे को याद है। इमोशनल डैमेज गाइस, इमोशनल डैमेज। तो यस, जैसे मैंने आपको बोला नाइट हो रही होगी तो भाई सबसे पहले सावधान रहे, सतर्क रहेगा कि अपना घर बंद कर दें। अब भाई यहाँ पे मैं डालूँगा कम से कम आधा आयरन, 18 आ जाए ना भाई। वेट अ सेकंड गाइस, मैं आयरन तो ला लिए पर भाई मैं कोल नहीं लाया, अब मैं जलाऊंगा किसको भाई। कूड़े भाई, बाहर साले क्रीपर लोग खड़े हैं। अब मैं भाई जलाऊं क्या, बदला देख रहे हो वहाँ पे करीबू दादा। और अभी मेरा भाई सेल बॉइस बॉर्डर का भाई सब्जी मार्ग में आई थिंक तो हमारे ओके वो फालतू से पेड़ ग्रो हुए होंगे या फिर नहीं, नहीं हुआ भाई एक भी नहीं हुआ क्या, बोन है मेरे पास नहीं हुए, नहीं तो भाई अभी बोन मिल बना देता एक। तो सबसे पहले अभी विलेजर भाई, तुम क्रीपू दादा के फैन हो गए भाई, तुम्हारे पीछे उसका मुंह क्यों है भाई। तो अब यार मेरे को जंगल से ही वहाँ से काट के लानी पड़ेंगी लकड़ियाँ फालतू की, एक तो मेरे को एक वुड का टुकड़ा भी नहीं है कि भाई मैं उसको जला पाऊँ। तो यस गाइस, मेरे को लग रहा है कि अब मैं आपसे सीधा वोट लेके ही मिलता हूँ, नहीं तो बहुत सारा टाइम पास हो जाएगा। तो यस गाइस, मैं मजदूरी करके आ गया हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लॉग निकाल लिए यहाँ पे, आप देख सकते हो एक स्टैक और 25 पूरे। और क्राफ्टिंग के बल भाई घर चला गया। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे ये निकाल लूँगा, अब इससे तो भाई सबसे पहले इस मेल्टिंग के लिए एक स्टैक डाल दूंगा। ये रहा हमारा एक स्टैक इधर, और तू इधर जा,
और भाई तू जा किधर, भाई तू इधर जा। बाकी आप देख सकते होंगे मैं कितना ज़्यादा गरीब हो गया हूँ थोड़ा। तो ये सब इधर आ जाएंगे और तू इधर जा भाई। बाकी भाई ये फोन भी है, ये भी आ गए इधर और बाकी सब तो सही है। और पिकू दादा हम कैसे भूल सकते गाइस, क्या है पिकू दादा। और यहाँ पे हंगर भी चली गई, तो पिकू दादा के साथ थोड़ा गलत काम हो गया गाइस। गाइस मेरे को एक चीज़ तो पता है कि मैं डायमंड नहीं ढूंढ पाया, मतलब ढूंढने तो थे पर मर गया। पर नेक्स्ट पार्ट में मैं डायमंड भी लूँगा और घर भी बना दूंगा। यस तो मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो तक इतना ही बस, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो मैं भी पता नहीं भाई कब आएगी, इस वीडियो के थोड़े दिन बाद आ जाएगी। तो अब तक के लिए बाय।